जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में जाने एपोलिपोप्रोटीन ए वन के बारे में, तो इस वीडियो में हम जानेंगे एपोलिपोप्रोटीन बी के बारे में। दोस्तों जो एपोलिपोप्रोटीन बी होता है यह एक ब्लड टेस्ट होता है और एक पॉलीपेप्टाइड और एपोलिपोप्रोटीन के स्तर को जांचने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। यानी कि एपोलिपो जो प्रोटीन होता है वो पॉलीपेप्टाइड और एपोलिपो बी के बारे में यह किया जाता है कि इसके स्तर क्या है हमारे बॉडी के अंदर, यह पता किया जाता है। और ये दोनों एक तरह का प्रोटीन होता है हमारे शरीर में। जो दोस्तों एपोलिपोप्रोटीन जो बी होता है या एलडीएल यानी कि लोअर डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है यह उससे जुड़ा होता है। और जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है दोस्तों यह एक बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। यानी कि अगर इसका असर हमारे शरीर के अंदर अगर बढ़ जाए तो हमको बहुत सारे ऐसे दिक्कतें हैं जिसका सामना करने को मिल सकता है। दोस्तों जो एपोलिपोप्रोटीन है यह वीएलडीएल में भी पाया जाता है। और वीएलडीएल अगर हमारे शरीर के अंदर अगर बढ़ जाता है या एलडीएल का जो लेवल है वह अगर बढ़ जाता है तो हमारे जो खून की वाहिनियाँ हैं, जो नसें हैं, उनमें जाकर यह चिपक जाता है। जिसके वजह से अगर हमारे हार्ट को अगर ब्लड सर्कुलेशन अगर टाइम पर ना मिले, ज़्यादा अगर फ्लो नहीं हो पाता है, जिससे कि यह जम जाता है, तो जो नसें होती है वो दीवारों में ये वहाँ का काम करती है और ये रुक जाता है, रुकावट पैदा करती है जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जिससे कि हार्ट अटैक होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो इससे ये भी पता चलता है दोस्तों कि जो एपोलिपोप्रोटीन जो बी है यह हमारे हार्ट डिसीज को भी पता करने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। यह टेस्ट करने के लिए भी दोस्तों आपको 12 से 14 घंटे फास्टिंग की जरूरत पड़ती है और सेम डे या एक से दो दिन में आपको रिजल्ट इसका मिल जाता है। लेकिन यह टेस्ट क्यों किया जाता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं, इसके अलावा और क्या पता लगाया जाता है? तो सबसे पहले तो आता है इसमें आपकी हार्ट की स्थिति को जानने के लिए किया जाता है, या इन फ्यूचर में कभी भी अगर आपको हार्ट अटैक आ चुका है तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपके हार्ट की क्या स्थिति है यह जानने के लिए भी किया जाता है। अनुवांशिक लक्षण है कि किसी व्यक्ति को, यानी कि घर में अगर माता पिता में या किसी और को अगर पहले से यह बीमारी हो है या हाई कोलेस्ट्रॉल या हार्ट डिसीज का है, तो उसका भी पता लगाने के लिए इस टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं। अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल बना रहता है तो यह जाँचने के लिए किया जाता है कि आपके शरीर में जो एपोलिपोप्रोटीन बी है वह उसका लेवल कितना है आपके शरीर में, तो यह पता किया जा सकता है। दोस्तों ये जो टेस्ट है इसका जो नॉर्मल रेंजेस होता है वह लेस देन 100 mg पर डेसीलीटर होता है। लेकिन अगर यह रेंज हाई हो जाए तो हम क्या समझें इसका, यानी कि यह रेंज अगर हाई होता है तो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही नहीं, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपका एपोलिपोप्रोटीन जो बी होता है वह हाई हो सकता है। तो उसमें सबसे पहले आता है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, अगर किसी व्यक्ति को है तो हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म की स्थिति में भी एपोलिपोप्रोटीन हाई हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में स्मोकिंग कर रहा है, एल्कोहलिक व्यक्ति है, तो उसमें भी हो सकता है। किसी का लिवर डिसीज है, किडनी डिसीज है, या अगर उस व्यक्ति को हाई डायबिटिक मलेटस है यानी कि शुगर काफ़ी ज़्यादा हमेशा रहता है, तो एपोलिपो जो प्रोटीन होगा वह हाई हो जाता है। लेकिन लो होने का रीज़न क्या है, ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन उसमें भी चांसेस रहते हैं। अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म अगर टाइप 1 है तो उस कंडीशन में यह जो वैल्यू होगा वह लो हो जाएगा। क्रोनिक एनीमिया में, यानी कि आपके शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, तो जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगा तो उसके शरीर में आपके शरीर में क्या होगा कि ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा, जिसके वजह से जो एपोलिपोप्रोटीन होता है वह कम हो जाता है। अगर बॉडी में अगर स्वेलिंग है, वजन आपका कम हो रहा है, हाल ही में आपने अगर सर्जरी कराया हुआ है, या अगर किसी व्यक्ति को सिरोसिस है, तो उस कंडीशन में जो एपोलिपोप्रोटीन आप कराते हो तो इसका लेवल आपको कम देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि एपोलिपोप्रोटीन बी के बारे में भी आप जान चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जानने वाले हैं लाइपोप्रोटीन ए के बारे में। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना।